ये ईटिंग हाउस है। देखिए ईटिंग हाउस के बारे में, जैसे पहले हमने पब्स रेस्टोरेंट्स के बारे में बोला था, उनका ऑलरेडी 1:30 बजे तक का जो टाइम है उस टाइम की ऑलरेडी गाइडलाइंस इशू की गई है, उसको कड़क तरीके से इम्प्लीमेंट की जा रही है और इसमें जो भी वायलेटर्स पाए जाएंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो ईटरीज हैं जिनके पास गुमास्ता लाइसेंस है, जो जो शॉप्स में जो ईटरीज चल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स हो आइसक्रीम शॉप्स हो, इन सभी को 1:30 बजे तक की टाइम परमिट की गई है, वो 1:30 बजे तक अपनी ऑपरेशन चला सकते हैं। रोड साइड पे जो ठेलेज हैं जो खाद्य पदार्थ ईटिंग मटेरियल्स बेचते हैं, उनको 11:30 बजे तक की टाइम निर्धारित की गई है, 11:30 बजे से उनको पूरी तरीके से बंद करनी होगी। साथ साथ ऐसा पाया गया है कि FL2 वाइन शॉप्स के सामने आसपास अंडे की ठेले हो या चाइनीज की ठेले या अलग अलग प्रकार के ये आइटम्स, जिसमें लोग FL2 वाइन शॉप से लिकर खरीद के इस प्रकार के जगह पे पीने की जो एक्टिविटी नजर आई है, इसको ध्यान में रखते हुए बहुत ही कड़क मुहिम इस पे शुरू की जा रही है। और साथ साथ जो कंट्री लिकर शॉप्स है जिनका ऑपरेशनल टाइम सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक है, ये पाया जा रहा है कि कभी कभी ये लोग समय से पहले खोलते हैं और समय के बाद तक चालू रखते हैं। इनको सख्त हिदायत दी जा रही है कि ये समय का तंतोतंत पालन करें। और साथ साथ जो नियम है कि अंदर में इस प्रकार की कंट्री लिकर शॉप में कोई भी ईटिंग पदार्थ सर्व करना अलाउड नहीं है, वो भी नियम कड़क तरीके से इंप्लीमेंट की जा रही है। ओवरऑल ये जो मेनेस है, साथ साथ अवैध दारू या इस प्रकार की जो पदार्थ हैं, जैसे हमने कल भी बताया कि करीब करीब 2700 किलो हमने क्लोरल हाइड्रेट जो कि आर्टिफिशियल ताड़ी के लिए यूज किया जाता है, जो एक पॉइजन का प्रकार है, इस प्रकार के ऊपर कार्रवाई की गई है। जो भी इलीगल एक्टिविटी चलेगी उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ईटिंग हाउसेस पब्स इनके बारे में टाइम्स रेस्ट्रिक्ट रेगुलेट किया जा रहा है, और कंट्री लिकर शॉप और जैसा मैंने अंडा ठेलेज और चाइनीज स्टॉल्स जो FL2 के सामने हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी।